फ्रेंड्स बहुत सारे लर्नर ये पूछते हैं कि नाइदर नार या नाइदर ऑफ में क्या फर्क है, आइदर आर या आइदर ऑफ में क्या फर्क है, क्या इनका इस्तेमाल अलग अलग है? तो मैं कहूंगा हाँ, आइदर आर मीन्स दो में से कोई एक या कई में से कोई एक। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, आइदर आर का इस्तेमाल हम दो नाउन या दो से ज्यादा नाउन्स के लिए करते हैं। जैसे अगर आपके सेंटेंस में दो तीन चार पांच नाउन्स हो तो हम आइदर आर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम बात आइदर ऑफ की करें तो आइदर ऑफ का इस्तेमाल सिर्फ दो नाउन के लिए ही किया जाता है, दो से ज्यादा नाउन के लिए आइदर ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम नाइदर नॉर या नाइदर ऑफ की बात करें तो नाइदर नॉर का इस्तेमाल दो नाउन के लिए या दो से ज्यादा नाउन्स के लिए किया जाता है। लेकिन अगर हम बात नाइदर ऑफ की करें तो नाइदर ऑफ का इस्तेमाल सिर्फ दो नाउन्स के लिए ही करते हैं। आइदर ऑफ द रोड्स इज लॉन्ग, इस सेंटेंस का मतलब हुआ दो में से कोई एक रोड लंबा है, यानी यहाँ पर दो सड़कें हैं और दोनों में से कोई एक सड़क लंबा है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि आइदर ऑफ मीन्स दो में से कोई एक। आइए फ्रेंड्स अब नाइदर ऑफ के बारे में देखते हैं। नाइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ द रोड्स इज लॉन्ग यानी दोनों सड़कों में से कोई भी लंबा नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप ये बात याद रखेंगे कि आइदर ऑफ का इस्तेमाल दो में से कोई एक, नाइदर ऑफ का इस्तेमाल दो में से कोई नहीं। और फ्रेंड्स एक और खास बात जो आपको याद रखना होगा, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ वाले सेंटेंसेस में जो आपका वर्ब होगा वो सिंगुलर में होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है, कहीं आप नाउन को प्लूरल में देखकर यहाँ आर लिखने की गलती ना करें। कई बार लर्नर सोचते हैं कि यहाँ पर रोड्स लिखा हुआ है यानी नाउन प्लूरल है तो यहाँ पर हम आर लिख दें। आपको ऐसा नहीं करना है। आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ वाले सेंटेंसेस में जो आपका वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल नाइदर नॉर और आइदर आर का भी देख लें ताकि आप इस कंसेप्ट को समझ सकें। आई एम नाइदर अमेरिकन नॉर नेपाली। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर नाइदर नॉर का इस्तेमाल दो नाउन के लिए हुआ, लेकिन आप नाइदर नॉर का इस्तेमाल दो से ज्यादा नाउन के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। आई एम नाइदर अमेरिकन नॉर नेपाली, नॉर भूटानी, नॉर पाकिस्तानी, नॉर चाइनीज। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि यह नॉर का इस्तेमाल दो से ज्यादा नाउन्स के लिए किया गया है। यू आर आइदर इंडियन आर पाकिस्तानी। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि यहाँ आइदर आर का इस्तेमाल दो नाउन्स के लिए हुआ, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं यू आर आइदर इंडियन आर पाकिस्तानी आर भूटानी आर नेपाली। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को समझे। फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं देख सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।